नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आगरा के शहीद स्मारक पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। योगी मोदी हाय हाय की नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि बिजली का बिल और स्कूल की फीस माफ करने की मांग की गई ताकि लॉकडाउन के समय में लोगों को दिक्कत ना हो। बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी टोरेंट पावर विद्युत सप्लाई इस समय आगरा में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग इसका बिजली का बिल माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा है। इन लोगों का कहना है कि यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो लखनऊ विधानसभा को घेरेंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश से विकास रावत की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला आगरा और महानगर ने कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को। हम लोगों की मांग है कि स्कूल की फीस और बिजली का बिल ये माफ किया जाए। हमने कई बार ज्ञापन देने के बाद में आज हमने निर्णय लिया है कि आज हम सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे के लिए अपनी रणनीति बना के बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा लॉकडाउन की पीरियड से ही एक ये मांग रखी जा रही थी कि लॉकडाउन अवधि के बिजली का बिल और स्कूल फीस माफ करें, जिसको लेके कई बार हमने दो बार ज्ञापन भी दिया और आज हमने शहीद स्मारक पार्क पर सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद हम लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी ना हो। और अगर आज ही हमारी तो कह रहे हैं कि कुछ ही समय में हम लोग ऊपर बात करेंगे और अगर जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग लखनऊ विधानसभा घूमने जाएंगे। स्कूल फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, माफ करो।